हेलो गाइस, आप सब स्वागत है मेरे एग्जाम पेपर चैनल थे। आज सतवीं जमात का गणित पेपर लेकर आया बीस सोलह नवंबर एग्जाम भाई मैं 2022 देख सकते हो। जमात सतवीं समान डेढ़ घंटे होने जा रहा, कुल मार्क्स 40 होंगे। पंजाब बोर्ड का पेपर आया वो तुम करावे ठीक है। सारे प्रश्न जरूरी हैं, सो भाग गोड़े दिता हुआ तीन भागों में है। प्रश्न एक बच्चे का 8 प्रश्न हो गए, बहुविकल्प एक जना 4 ऑप्शन देते होंगे एक प्रश्न दे ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न भी छोड़ूंगा सही गलत 4 दो चार क्वेश्चन ठीक है। अगर हो जाना प्रश्न 3 में 4 खाली थामा हो ठीक है, एक एक मार्क्स वाले। सो तुम सारे ग्रामे बिद सोल्व, सो आप क्वेश्चन भाग एडा भी देख लेने। प्रश्न 4 तो 11 तक 2 अंक वाले भाग ईडी बिच होंगे, भाग ईडी बिच होंगे 12 तो 13 दो क्वेश्चन मतलब 4 अंक दे ठीक है। तुम सारे सोल्व करा, सो क्वेश्चन में चलते हैं आ रहा पार्ट 1। सो आप बिद सोल्व करा गए जिमें कि क्या पहला जेकर एक सम दो पुजित्रे पुज दे बराबर कोना बिच कोना बिचो एक कोण 45 है तो तीसरा कोण की हो कौन होगा तीसरा कोण की होगा मतलब तो 45 है तो सम को दोनों को बराबर होंगे 45 जोड़ कर लो, दूसरा भी 45 होना ठीक है। तो घटा किन्ने 180 घटा देना क्योंकि तेरे पुज के अंदर कोना जोड़ 180 होता 45 90 बराबर 180 माइनस 90 डिग्री आ जाना ठीक है। देखते 90 डिग्री किसी डी ऑप्शन आ जाएगा ठीक, राइट आंसर डी ऑप्शन ठीक है। अगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी विच जेकर ए कोण हैगा 40 डिग्री अते बी कोण 55 हो ते सी कोण पता करना ठीक है। सेम सेम ही आ गया, ए अपने को 40 बी कि अपने को 55 सी पता करना प्लस कर लो बराबर 180 डिग्री 40 तो 55 कितना होता 40 तो 95 95 प्लस 95 है लिख देना 95 रुको 95 प्लस सी बराबर 180 डिग्री सी बराबर 180 है बिचों 95 घटा दो कितना आ जाना, हाँ जी कि आ जाना 85 डिग्री रुक जो 2 मिनट 5 17 5 17 9 8 हाँ जी ये आ जाना मेरे अंदाजे ना कि मिट भी गया सॉरी कि 95 ही ना 180 95 घटा दो आ जाना आंसर अपने को 85 डिग्री ठीक है। 85 डिग्री देखो कि ऑप्शन च आ रहा डी ऑप्शन है भी। अगला क्वेश्चन है जेकर ट्रायंगल ए बी सी सरबंग समय ट्रायंगल एक्स वाई जेड होवे तो हेठ लिखा भी जो कि कथन ठीक है। ए कोण बराबर जेड एक्स होना चाहिए ठीक है। देखो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन राइट आंसर ठीक है। चौथा क्वेश्चन हेठ देती है बिचो कि त्रिभुज का सरबंग समसा नियम नहीं है, ए ए एस ए है नहीं, एस ए एस भी हैगा, एस ए एस भी हैगा, ए एस ए ए भी हैगा, ए है नहीं कहगा ठीक है। जो राइट आंसर है ना ए ए है ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यंजक 8 माइनस एक्स माइनस वाई का गुणाक दसो, तुम ये कर लियो। अगला है क्वेश्चन 6वां बीज गणित तक एक्स 3x प्लस 11 अते 2x माइनस 7 का जोड़, सो इन भी सौखा ही है। मैं आई थिंक यदा लगता ए ऑप्शन होनी चाहिए है ठीक है। तो पता नहीं मैंने कन्फर्म नहीं ए ऑप्शन नहीं लगता ए या डी होना, सो यदा कन्फर्म कर लिया तुम अपने टीचर तो पूछ के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते आप 6वां हो गया 7वां करना ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰ 3 ਘਾਤ ਤੋ ਇਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਜਾਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਫਰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਕਾਇਦੇ ਸੈਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 20,068 ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ
ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 100% ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਪਜਾਮਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਪਲੱਸ 4 ਦਾ ਵਰਗ 16 ਤੋਂ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 25, 10 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 100। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ 100 ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 3 ਅਤੇ 16 25 ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਦਾ ਵਰਗ 100 ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਸਟਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਆ। ਟਰੂ ਆ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ, ਆ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਐਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸਾਈਡ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਟਰੂ ਆ। ਦੋਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਦੋ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੋ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਯੈਸ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਆਰ ਐਚ ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ। ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਕੋਂਗਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਲਿਖਿਆ 3XY ਅਤੇ 3X ਸਮਾਨ ਪਦ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਪਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਭਾਗ 2 ਫਿਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 93, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਆ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੜ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਅੱਧੇ ਕੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਾਂਜੀ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਆ, 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 1 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈਗਾ ਆਪਸਿਟ ਐਂਗਲਸ 1, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੇਪਰ। ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਐਲ ਐਮ ਐਨ ਜੇਕਰ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਲ ਐਮ ਕੋਮਾ ਬੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਮ ਐਨ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਸੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਲ ਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਵੀ 5 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ, 5, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, 5 ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮ 5 ਭੁਜ ਦੇ 1 ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਐਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮ 5 ਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, 5L, ਠੀਕ ਆ, 5L ਆਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ 1, ਇਹਦਾ ਘਾਤ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, 3 1 ਜਾਂ 8/5 ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਐਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਸ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ, 153 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ, 160 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਕਰ ਦਿਉ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 180 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਕੋਨਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 80 ਡਿਗਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 53 ਅਤੇ 60 ਤਾਂ 113 ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 180 ਮਾਈਨਸ 113 ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, 10 ਚ 7 ਅਤੇ 7 ਚ 6 67 ਡਿਗਰੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 67 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 90 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 30, ਸੋ ਜੋੜ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 90+30 ਬਰਾਬਰ ਐਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 120 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਲਿਖਣਾ, ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਸੀ, ਬੀ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਏ ਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ,
ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है ये वाला, ठीक है। सो इनू पता की करना, ए ए डी लिख दियो पर जो देता फिर लिखना वही, ए बी बराबर है ए सी, उत्तर लिख दियो गिवन सानू, ठीक है। उदे फिर बी डी बराबर ए लिख दियो, ठीक है। एक होर बनती पई ए डी बराबर है ए डी, उत्तर लिख दियो सांझी पूजा कॉमन साइड, इंग्लिश वाले लिखियो कॉमन साइड बच्चों, ठीक है। कड़े कड़े नियम तो पास है ये दसना, नियम तुम दस दिए एस 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 नियम नियमा राही, ठीक है। इन्ना लिख दियो, दो नंबर का क्वेश्चन है तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, उस बाद इन्ना लिख के तुसी एक ए लिख दियो लाइन लास्ट वाली, सरबंसम है, ठीक है। एस एस नियम तो सरबंसम है। अगला सैवंथ क्वेश्चन आ जाता, ये तुसी आप ही कर लियो, मैं तुम्हें पा दें एक्स एक्स वाई जेड का व्यंजक 5x² नहीं 15x दा का 2 बाई जेड दा गुणा पता करो। सो तुसी आप ही कर लियो। यदा अठवां क्वेश्चन है बीज गणित व्यंजका 3m + 2n, 7n - 8n 2m - n का जोड़ पता करो, ठीक है। ये भी तुसी आप कर लियो क्योंकि इतने समझाना मुश्किल हो रहा, मैं तो जेकर जो तुम्हें नहीं आता तो मैं कमेंट करके दस दौ, मैं तुम्हें कॉपी से करके इन्हों के आंसर पा देंगे, ठीक है, वीडियो बना के। तो जो नहीं आता तो साढ़े चैनल टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, रमेश एग्जाम पेपर चैनल का टैलीग्राम से भी है, तो सर्च करके ज्वाइन कर लियो, ठीक है। सो आप ये भी तुम आप कर लियो क्वेश्चन, ये बीज का दसना मूल की एज स्केयर तो बीज स्केयर सौखा ही वैसे है, एजा तो बीज का माइनस का फार्मूला ला देना। सो अगे दसना कि वड्डी आ दसवें क्वेश्चन च, चार तीन बारी गुणा करो, चार दनी अठ गुणा चार दनी अठ, अठ चौक 32, तीन गुणा करो तीन तीया नौ तीया सताई तीया किन्ने होंगे, सताई तीया किन्ने होंगे, 81 होंगे। सो बड़ा कौन है तुम दिख ही रहा 81 वाला, सो की आ जाए आंसर, आंसर आ जाना 3 4, ठीक है। एक और लिख दी आंसर, बड़ी संख्या पूछी सी, अगे पूछिए घात अंकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल करो उसकी घात संकित। सो ये भी तुम आप कर लियो। अगला भाग एडी आ जाता, सो इन्हें भी तुम करा दिया 6 4 नंबर का सौखा देता वैसे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड की रचना करो जिस हरेक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इन्हें स्केल लेना, स्केल तो ना 5 सेंटीमीटर माप के एक्स वाई लिखना, ना कि एक्स अते वाई पढ़ो 5 सेंटीमीटर लिखना, फिर प्रकार ना भी उन्हें खोलना, प्रकार ना भी 5 सेंटीमीटर खोल के इधर चाप लानी, इतों एक्स तो रख के फिर वाई तो रख के ना इधर चाप लानी, जेडे 5 सेंटीमीटर इतने कट जाए उन्हें तुम ज्वाइन कर देना, देखो ज्वाइन कर दो, जरा उपर रहती है जड़ का नाम दे दो, इतने 5 सेंटीमीटर इधर भी ले दो, इधर भी 5 सेंटीमीटर ले दो, यही सी बस करना, तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे ये, ठीक है। सौखा ही ना, अगला है होर एक होर लास्ट वो भी कर लेने, दिता है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जिस विच कोण सी 90 होवे ते ए बी 5 सेंटीमीटर अते बी सी 3 सेंटीमीटर। सो बड़ा सौखा, आपा केड़ा लेना कोण जिते बनाना सी ते, आपा बी सी लेना, फिर जिते बनाना उही लेना बी सी लेने, 3 सेंटीमीटर खोलना तो स्केल नाम आपके लाइन मारनी पेपर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बी सी की कहना ने सी ते कोण किन्ने बनाओ 90 डिग्री, सो इतने बनाओ प्रकार ना तो खोलियो, बनाए पर 160 दी फिर 120 दी फिर दोनों अद कर दौ इतने 90 दी बन जाएगा, ठीक है। हमेशा 90 तो सीधी आनी, ठीक है, थोड़ा मैं तो हाथ ना बना लिया, टेढ़ा भी हो सकता, ये 90 तो बन गया। तो उन्होंने की कहा ए भी किन्नी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, सो ए तो रख के ए बी 5 सेंटीमीटर, बी तो रख के ना 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के चाप ला दियो, जिथे कट जूगी उस बिंदु तुम ज्वाइन कर दियो बी ना, ए ताड़ा समकोणी त्रिभुज बन गया, ठीक है। सिंपल सी ना, सौखा ही, चार चार नाम बन रहे,
तो तुम्हें जो क्वेश्चन रह गए जेकर तो नहीं आते मैं कमेंट करके दस दो मैं तुम्हें इन्होंने सारे सोल्यूशन पा दूंगा या किसी होर सब्जेक्ट का पेपर चाहिए या होर क्लास का मैं कमेंट करके दस दो ठीक है मैं तेरे जल्द वो भी सू प्रोवाइड कर दाँगा जल्द ही मिलते नैक्सट वीडियो तले बाय इस